हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, आप जो फोटोज स्क्रीन पे देख रहे हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसकी फोटोज देख रहे हैं। ये रिजर्व बैंक का हेड ऑफिस है जो कि मुंबई में है, और इसके अलावा जो दूसरी फोटोज है वो आरबीआई के अलग अलग रीजनल ऑफिसेस की है। जितने सुंदर ये ऑफिसेस बाहर से आपको दिखाई दे रहे हैं उतने ही अच्छे ये ऑफिसेस अंदर से भी हैं। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऐसे ऑफिसेज में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आरबीआई ग्रेड बी का एडवर्टीजमेंट कभी भी किसी भी वक्त जनवरी में रिलीज हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एंट्री के फ्रेंड्स दो चैनल होते हैं, एक आरबीआई असिस्टेंट और एक आरबीआई ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आरबीआई असिस्टेंट एक क्लरिकल जॉब होती है और ग्रेड बी ऑफिसर जॉब होती है। असिस्टेंट की 2021 की वैकेंसीज के बारे में अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी 2021 की वैकेंसी जनवरी 2021 में किसी भी वक्त आप एडवर्टीजमेंट वेबसाइट पे देख सकते हैं, ये एडवर्टीजमेंट आने वाला है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जो भी फ्रेंड्स, जो भी मेरे बैंकिंग इंडस्ट्री के जो फ्रेंड्स हैं या फिर और भी कोई बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं वो आरबीआई ग्रेड बी की अगर तैयारी करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आज आपको आरबीआई ग्रेड बी की जो लेटेस्ट सैलरी पर्क्स अलाउंसेस हैं और जो अदर इमोल्यूमेंट्स जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, एनुअल बेनिफिट्स मिलते हैं, और क्या क्या फैसिलिटीज आरबीआई ग्रेड बी को दी जाती है, प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, और जिस तरह के ऑफिसर्स क्वार्टर्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सभी की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, आरबीआई ग्रेड बी एक जो डेजिग्नेशन का नाम है वो उसका नाम है मैनेजर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो ऑफिसर्स कैडर है वो ग्रेड ए टू एफ है, उसके बाद में टॉप मैनेजमेंट होता है। ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर होता है जो कि असिस्टेंट से प्रमोट होके ग्रेड ए बनता है। आरबीआई में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड बी पे लिए जाते हैं। ग्रेड ए पूरा प्रमोशन के लिए, असिस्टेंट्स के लिए प्रमोशन के लिए छोड़ा जाता है, जो कि 3 साल में असिस्टेंट टू ग्रेड ए प्रमोट होते हैं। आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर डेजिग्नेशन होती है, इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट होता है। अगर आप अपनी रूलर पोस्टिंग से परेशान हैं तो आरबीआई आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेट कैपिटल्स में आपको पोस्टिंग, शहरों में आपको पोस्टिंग मिलेगी। अगर आप पब्लिक डीलिंग से परेशान हो चुके हैं तो यहाँ पे आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ बैंकिंग ओम्बड्समैन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे लोगों की बैंकिंग से रिलेटेड शिकायतें होती हैं, वहां आपको फिर भी पब्लिक डीलिंग का सामना करना पड़ सकता है। बाकी इसके अलावा नॉर्मली पब्लिक डीलिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है नहीं। अगर आप रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स चाहते हैं तो नॉर्मली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये 8 आवर्स की जॉब है। अगर कोई एक्सेप्शन केस ना हो, कुछ अर्जेंसी ना हो, तो ही कई बार लेट तक रुकना पड़ता है, बट ये नॉर्मली 8 to 9 आवर्स की जॉब है। इसके अलावा 5-day week है ऑलरेडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और एक अच्छी सैलरी पर्क्स फैसिलिटीज है और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले सैलरी के बारे में। फ्रेंड्स, पे स्केल आरबीआई ग्रेड बी की पे स्केल बेसिक पे स्टार्ट होती है 35,150 रुपीज पर मंथ से। ये जो पे स्केल है ये अभी प्री रिवाइज्ड है, यानी जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट है, जो वेज रिवीजन है नवंबर 2017 से ड्यू हुआ है, वो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिवाइज नहीं हुआ है। तो ये आप जो भी सैलरी देख रहे हैं ये पिछले वेज सेटलमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। जो नया वेज रिवीजन है वो अभी प्रोसेस में है, जैसे ही वो वेज रिवीजन लागू होगा आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी, बेसिक पे, सब कुछ रिवाइज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहले ग्रॉस सैलरी, जो स्टार्टिंग बेसिक पे है 35,150 रुपीज़ है। इसके अलावा जो अलग अलग अलाउंसेज हैं उसके हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी है वो 88,518 रुपीज़ है, जो कि जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग है। डीए को लिया गया है 81.9%। बेसिक पे के अलावा एक स्पेशल अलाउंस और एक ग्रेड अलाउंस होता है जो कि डीए के लिए काउंट किए जाते हैं, यानी इन तीनों के ऊपर डीआरएनएस अलाउंस दिया जाता है, बेसिक पे, स्पेशल अलाउंस और ग्रेड अलाउंस। इसके अलावा एचआरए है 15%। अगर आप बैंक अकोमोडेशन लेते हैं या लीज अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको ये एचआरए नहीं मिलता है। एक लोकल कंपनसेटरी अलाउंस है। तो टोटल मिला के 88,518 रुपीज़ की ग्रॉस सैलरी है। इसके अलावा जो हर महीने पर्क्स मिलते हैं सैलरी के अलावा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वेंस अलाउंस, यानी पेट्रोल अलाउंस है।
जो कि नॉर्मली 150 लीटर्स पर मंथ दिया जाता है। मुंबई में ये 50 लीटर्स एक्स्ट्रा है और दूसरे जो मेट्रो शहर हैं वहाँ पे 30 लीटर्स एक्स्ट्रा है। यानी अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 200 लीटर्स पेट्रोल पर मंथ आरबीआई ग्रेड बी को दिया जाता है। अगर जैसे भी 90 रुपीज़ पर लीटर की कॉस्ट लें तो लगभग 18,000 रुपीज़ का आपको कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है हर महीने। इसके अलावा एक हाउस क्लीनिंग अलाउंस है 5,000 रुपीज़ पर मंथ का, इंटरनेट अलाउंस है 2,000 रुपीज़ पर मंथ का, टेलीफोन अलाउंस है, न्यूज़पेपर है, मेंटेनेंस अलाउंस है और अलग से सुडक्सो मील कार्ड है। यह आप सबकी जो रेट्स हैं, जो पर्क्स दिए जाते हैं, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी टोटल मिला के 31,617 रुपीज़ के हर महीने आरबीआई ग्रेड बी को अलग से पर्क्स दिए जाते हैं। इन सभी पर्क्स को सबमिट करने, इनको क्लेम करने के लिए कोई बिल सबमिट नहीं करना होता है। ये ऑटोमेटिकली आपके सैलरी अकाउंट में सैलरी के अलावा अलग से क्रेडिट हो जाते हैं। और जैसे आप आरबीआई ग्रेड बी ज्वाइन करते हैं, आप उसी समय से आपको ये बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप ट्रेनिंग पीरियड पे भी हैं तो भी आपको ये सारे बेनिफिट्स और सैलरी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर अपन बात करें ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स पर मंथ की, तो ग्रॉस सैलरी है 88,518 रुपीज़, 31,617 रुपीज़ के पर्क्स हैं। तो अगर इस दोनों को ऐड करें तो ग्रॉस सैलरी है 1,20,000 की पर मंथ आरबीआई ग्रेड बी की। इसके अलावा नेट सैलरी की बात करें तो दो मेजर डिडक्शंस होते हैं, जिसमें एक तो होता है एनपीएस, आपका बेसिक और डियरनेस अलाउंस का 10% डिडक्ट कर लिया जाएगा एनपीएस के लिए, और 10-12 हज़ार रुपये का इनकम टैक्स जो भी एप्लीकेबल है। वो डिपेंड करता है कि आप ईटीसी में कितना इन्वेस्ट करते हैं, नॉर्मली 10-12 हज़ार रुपये हर महीने का इनकम टैक्स कट जाता है। यानी कुल मिला के जो मोटा मोटा है 20,000 रुपये के आसपास आपका टोटल डिडक्शन होता है हर महीने। यानी जो 88,518 है इसमें से 20,000 डिडक्ट कर लिया जाएगा और नेट सैलरी होगी 68,000 प्लस 31,000 के पर्क्स जो कि अलग से आपके अकाउंट में आते हैं। यानी नेट सैलरी दोनों को ऐड करके हुई 1,00,000 रुपये की लगभग नेट सैलरी है जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसके अलावा एनपीएस कंट्रीब्यूशन है, आरबीआई में 14% एनपीएस कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, तो आपका जितना डिडक्ट हुआ वो है 7,958 रुपीज़, और उतना उससे ज़्यादा मतलब 14% आरबीआई कंट्रीब्यूट करता है तो वो अमाउंट हुआ 11,141। यानी दोनों मिला के हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में लगभग 19,000 रुपये 19,000 रुपीज़ हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब आप फ्रेंड्स खुद इमेजिन करिए, अगर आप 25 या 26 ईयर्स की एज में आरबीआई ग्रेड बी ज्वाइन करते हैं तो आने वाले 30 से 35 सालों में आपके एनपीएस अकाउंट में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हर महीने जाएगा ताकि आपको रिटायरमेंट पे एक अच्छा कॉर्पस मिल सके। इसके अलावा दूसरे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं जो पर एनम यानी साल में एक बार दिए जाते हैं, जिसमें एक 13,000 रुपीज़ का मेडिकल अलाउंस है, 8,000 का बुक ग्रांट का रुपीज़ है, 5,500 रुपीज़ के ब्रीफकेस के पैसे हैं, स्पेक्टेकल्स के पैसे दिए जाते हैं सेल्फ और स्पाउस के लिए, और जो एक फर्निशिंग ऑफ रेजिडेंस फॉर ऑफिसर्स यानी FRO हर 5 साल में 2,00,000 रुपए के लिए 2,00,000 रुपए आपको FRO के तौर पे एक आरबीआई ग्रेड बी को दिए जाते हैं फर्नीचर खरीदने के लिए। FRO क्लेम करने के लिए भी कोई बिल आपको सबमिट नहीं करना होता है, लेकिन हाँ ये सभी टैक्सेबल होते हैं। जो भी आप बेनिफिट्स लेंगे वो सारे जो भी आपके इनकम टैक्स स्लैब है उतना आपके इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। साथ ही एक FRO मेंटेनेंस दिया जाता है कि जैसे आपने अगर फर्स्ट ईयर में FRO क्लेम किया 2,00,000 रुपए का, तो सेकंड ईयर से फिफ्थ ईयर तक यानी जैसे हर 5 साल में FRO दिया जाता है, तो पहले साल में FRO मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे साल से 5वें साल तक हर साल आपको FRO अमाउंट का 10% मेंटेनेंस के तौर पे दिया जाता है जो कि होता है 20,000 रुपये पर एनम। तो ये फ्रेंड्स वो बेनिफिट्स हैं जो कि ये मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो कि आपको साल में एक आरबीआई ग्रेड बी को दिए जाते हैं। एक बात करते हैं लीव फेयर कंसेशन की, LFC फैसिलिटी की। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आरबीआई आपको घूमने के लिए भी हर 2 साल में LFC में एक अच्छा अमाउंट आपको देता है। अभी जो फिलहाल LFC का अमाउंट है वो 1,24,000 रुपये पर पर्सन है, यानी आप और आपके जो भी एलिजिबल डिपेंडेंट्स हैं इनटू 1,24,000, यानी पर पर्सन 1,24,000 रुपये का LFC अमाउंट है। तो जितने आपके एलिजिबल डिपेंडेंट्स हुए, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, उतना टाइम्स ये पैसा आपको हर 2 साल में एक बार दिया जाता है।
इसके अलावा अकोमोडेशन फैसिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी अच्छी है। ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह बैंक के क्वार्टर्स हैं जिनका मेंटेनेंस बैंक खुद करता है। नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया में 2 to 3 BHK फ्लैट्स ऑफर किए जाते हैं। मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे फ्लैट्स अवेलेबल नहीं होते हैं वहाँ पे लीज अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है जिसमें बैंक आपके बिहाफ पे लीज पे करता है जिसकी लिमिट अभी 60,000 रुपीज़ पर मंथ है। यानी आप 60,000 रुपीज़ तक का एक फ्लैट मुंबई में ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप लीज अकोमोडेशन लेते हैं तो HRA आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई लीज अकोमोडेशन लेते हैं तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 1 महीने का ब्रोकरेज होता है वो भी बैंक आपको रिइंबर्स करता है। जो भी बैंक की कॉलोनीज हैं वो सभी शहर के बीचों बीच में है, ऑफिस से अप्रोचेबल है, यानी आपका जो ऑफिस होगा उसके आसपास 5 to 6 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में या हो सकता है कुछ अलग अलग शहरों में 10 to 12 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में आपको बैंक का क्वार्टर्स ऑफिस से मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि सारे फ्लैट्स का मेंटेनेंस RBI खुद करता है तो आपको जो ऑफिसर्स क्वार्टर्स होंगे वहाँ पे जो ज़रूरी की चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, ये वाली फैसिलिटीज़ आपको मेंटेनेंस के तौर पे रेगुलर मिलती रहेगी। अगर आपके फ्लैट में कुछ भी मेंटेनेंस का इशू होगा तो ये फैसिलिटी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करेगा। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो RBI ऑफिसर्स क्वार्टर्स की है, आप ये फोटोज़ देख सकते हैं। ये जो अभी स्क्रीन पे आप फोटोज़ देख रहे हैं ये RBI भोपाल ऑफिसर्स क्वार्टर्स की फ़ोटो है। RBI भोपाल में जो ऑफिसर्स क्वार्टर्स प्रोवाइड किया गया है ये उसकी फ़ोटोग्राफ्स है। इसके अलावा RBI ऑफिसर्स क्वार्टर्स हैदराबाद की ये फ़ोटोज़ है जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे बड़े फ्लैट्स हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं प्रमोशन की। RBI ग्रेड बी ये एंट्री लेवल पोस्ट हो गई यानी मैनेजर पोस्ट हो गई। यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे RBI ग्रेड बी और जो डिप्टी गवर्नर तक RBI ग्रेड बी का प्रमोशन होता है। हर साल जो भी RBI में डिप्टी गवर्नर होते हैं टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिसमें से 2 डिप्टी गवर्नर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है बाहर से आउटसाइडर्स को और 2 डिप्टी गवर्नर्स इंटरनल प्रमोशन के थ्रू फिल किए जाते हैं पोस्ट। यानी जो RBI ग्रेड भी आज ज्वाइन कर रहे हैं वो कभी ना कभी आने वाले फ्यूचर में डिप्टी गवर्नर तक भी पहुँचते हैं। इसके अलावा जो लोग डिप्टी गवर्नर तक नहीं पहुंच सकते वो और जो दूसरी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तक पहुंच सकते हैं, ग्रेड एफ तक पहुंच सकते हैं। यानी प्रमोशन के अच्छे खासे चांसेस हैं और इस लेवल पे आके आप पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे बेनिफिट्स हैं आपका जो मेडिकल फैसिलिटी होगा आपका और स्टाफ डिपेंडेंट का सेल्फ और डिपेंडेंट वो मेडिकल फैसिलिटी पूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको दी जाएगी। आप जिस भी ऑफिसर्स क्वार्टर्स में रहेंगे वहाँ आपको डिस्पेंसरी फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी। आप जिस ऑफिस में काम करेंगे वहाँ पर आपको डिस्पेंसरी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। और इसके अलावा घूमने के लिए ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह जो भी मशहूर जो फेमस घूमने की जगह है इंडिया में वहाँ पर आपको RBI की हॉलीडे मिलेंगे जहां पे आप बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पे करके वो होटल का रूम बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो RBI ग्रेड बी को दिए जाते हैं। इस वीडियो का मेनली यही पर्पज़ है कि आपको जब तक उस पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल पता नहीं होती है तब तक आप अच्छे से उस मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ये रिसर्च में पाया गया है कि जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होता है वो सबसे ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करता है। जितनी ज़्यादा अच्छी सैलरी होती है लोग उतना ही ज़्यादा काम करने के लिए उसे पाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो फ्रेंड्स यही इस वीडियो का पर्पस है कि आप इस RBI ग्रेड बी पोस्ट के बारे में जानें और अगर इस वीडियो को देख के आप मोटिवेट होते हैं तो इस वीडियो का पर्पस फुल होता है। तो फ्रेंड्स क्या आप आने वाले RBI ग्रेड बी एग्जाम 2021 के लिए रेडी हैं? अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो आप जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि जनवरी में कभी भी किसी भी वक्त आपको एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि उन्हें भी RBI ग्रेड बी पोस्ट